सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, हम इसी वीडियो के माध्यम से कल कौन सा स्टॉक पे हम खरीदेंगे और कौन सा स्टॉक पे बेच के चलेंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसे रहेगा उसके बारे में जानने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, स्टॉक का एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस कहाँ पे है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला स्क्रिप्ट पे मैंने एशियन पेंट को बाय करने के लिए बताया है, तो इक्विटर कैश मार्केट पे आप 1356 पे बाय कीजिए। स्टॉप लॉस आपका 1348 रहेगा, पहला टारगेट 1367 और सेकेंड टारगेट 1372 रहेगा। अगर आप एशियन पेंट का फ्यूचर मार्केट पे बाय करना चाहते हैं तो 1364 पे बाय कीजिए, स्टॉप लॉस आपका 1356 रहेगा, पहला टारगेट 1375 और सेकेंड टारगेट 1381 रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट टू के बारे में जानते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट टू पे मैंने बजाज फाइनेंस को बाय करने के लिए बताया, तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 2533 पे बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 2513, पहला टारगेट 2553 और सेकेंड टारगेट 2573 रहेगा। अगर आप बजाज फाइनेंस का फ्यूचर मार्केट पे बाय करना चाहते हैं तो 2540 पे बाय कीजिए, स्टॉप लॉस 2520, पहला टारगेट 2560 और सेकेंड टारगेट 2580 रखिए। तो चलिए दोस्तों, अभी थर्ड स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, थर्ड स्क्रिप्ट पे मैंने डॉक्टर रेड्डी को बाय करने के लिए बताया है, तो इक्विटर कैश मार्केट पे 2643 पे बाय कीजिए, स्टॉप लॉस 2622, पहला टारगेट 2672 और सेकेंड टारगेट 2682 रखिए। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर रेड्डी का फ्यूचर मार्केट पे बाय करना चाहते हैं तो 2648 पे बाय कीजिए, स्टॉप लॉस आपका 2628, पहला टारगेट 2678 और सेकेंड टारगेट 2688 रखिए। तो दोस्तों, ये था थर्ड स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस। चलिए अभी फोर्थ स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, फोर्थ स्क्रिप्ट पे मैंने एसएल टेक को बाय करने के लिए बताया है, तो इक्विटर कैश मार्केट पे 986 पे बाय कीजिए, स्टॉप लॉस आपका 979 रहेगा, पहला टारगेट 995 और सेकेंड टारगेट 1000 रहेगा। अगर आप एस एल टेक का फ्यूचर मार्केट पे बाय करना चाहते हैं तो 986 पे बाय कीजिए, स्टॉप लॉस 979, पहला टारगेट 995 और सेकेंड टारगेट 1000 रहेगा। चलिए दोस्तों, अभी फिफ्थ स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, फिफ्थ स्क्रिप्ट पे मैंने हिंद पेट्रो को बाय करने के लिए बताया है, तो इक्विटर कैश मार्केट पे 232 पे बाय कीजिए, स्टॉप लॉस 230 रहेगा, पहला टारगेट 234 और सेकेंड टारगेट 236 रहेगा। अगर आप हिंद पेट्रो का फ्यूचर मार्केट पे बाय करना चाहते हैं तो 233 पे बाय कीजिए, स्टॉप लॉस आपका 231 रहेगा, पहला टारगेट 235 और सेकेंड टारगेट 237 रहेगा। दोस्तों, ये था पांच स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस और मैंने ये पूरा पांच स्क्रिप्ट पे बाय करने के लिए बताया है। तो चलिए दोस्तों, अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। देखिए, निफ्टी फ्यूचर पे हमको बाय करना है तो 10,950 का लेवल पे आप बाय करेंगे, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 10,910 पे, पहला टारगेट 11,000 रहेगा और सेकेंड टारगेट 11,030 लेके चलिए। तो चलिए दोस्तों, अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी फ्यूचर पे मैंने 27,300 पे बाय करने के लिए बताया है और 27,200 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, पहला टारगेट 27,400 और सेकेंड टारगेट 27,500 रहेगा। दोस्तों, ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और पांच स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस। आप ये स्टॉक पे ट्रेड करने से पहले मैंने एक रूल का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है, अगर आप वो रूल का वीडियो को नहीं देखे हो तो पहले वो रूल का वीडियो को देख लीजिए। अगर उसी रूल का वीडियो के हिसाब से एंट्री आ रहा है तो अभी आप उसी दिन वो स्टॉक पे एंट्री कीजिए। अगर किसी दिन कोई भी स्टॉक पे एंट्री नहीं आ रहा है तो आप उसी दिन वो स्टॉक पे ट्रेड मत कीजिए। दोस्तों, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, रूल के साथ आप ट्रेड कीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में डिसेंट इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके ही ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और पांच स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।